सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप सो यू ऑल विल बी ग्रेट एंड हैप्पी। आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि फेस मसाज कैसे करते हैं। उससे पहले कि जब हम फेस मसाज का नाम सुनते हैं तो हमको लगता है कि कितना नॉर्मल है फेस मसाज, लेकिन हमको पूरे स्टेप नहीं मालूम होते हैं। बहुत रेयर केसेस लोग होते हैं जिनको फुल स्टेप मालूम होते हैं फेस मसाज करने के। तो मैं आज आपको सारे के सारे स्टेप बताऊंगी, इसका प्रॉपर वे बताऊंगी और इसके फायदे क्या होते हैं। पहले आप वो सुन लीजिए, आपके फेस पे अगर फाइन लाइन्स रिंकल्स की प्रॉब्लम हो गई है या फिर डार्क सर्कल्स हो गए हैं, तो अगर आप फेस मसाज रोज डेली करेंगे, रेगुलर बेसिस में फॉलो करेंगे, तो वो रिड्यूस हो जाएंगी, धीमे धीमे चल जाएंगी, लेकिन आपको रोज डेली करना पड़ेगा। फेस मसाज करने से कोलेजन बूस्ट होता है, ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है, जिससे आपके फेस में एक नेचुरल ग्लो आपको देखने को मिलता है। जब भी हमको फेस मसाज करना होता है तो हम किसी के भरोसे होते हैं कि ये आके कर देगा, या फिर हमको पार्लर जाना पड़ता है। और पार्लर जाते हैं तो वहाँ फेसियल होता है, क्योंकि फेसियल का एक स्टेप होता है फेस मसाज, और फेसियल इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता हमारे फेस के लिए जितना कि फेस मसाज अच्छा होता है। तो अगर आप फेस मसाज को गलत वे में फॉलो करते हैं, गलत स्टेप में लेते हैं, या फिर प्रॉपर वे नहीं फॉलो करते हैं, तो जहाँ पे आपके फेस से रिंकल्स एंड फाइन लाइंस की प्रॉब्लम जा रही होती है गाइस, वहाँ पे और ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि फेस मसाज करता है हमारे फेस को टाइटन अप, बट अगर हम गलत तो इससे फॉलो करते हैं, गलत उसका प्रोसेस होता है, तो वो लूज कर देता है हमारी स्किन को, जहाँ पे फिर उसका रिंकल्स की प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। और फिर होता क्या है कि हम अपनी एज से भी बहुत ज़्यादा बड़े दिखने लगते हैं। बड़े इन सेंस कि अगर हम 21 साल के हैं तो हम 25 ईयर्स के दिखने लगेंगे ऐसा। तो अगर आप फेस मसाज करेंगे तो आप अपनी एज से थोड़े से तो छोटे दिखेंगे ही दिखेंगे, क्योंकि एक आपको बहुत अच्छा सा ग्लो देखने को मिलेगा जो वो किसी क्रीम लगाने से नहीं मिल सकता। वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है गाइस, पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो है आपके लिए। एंड हाँ, अगर आपको मेरा आई लुक पसंद आ रहा हो गाइस, तो मैं इसका लिंक आपको आई बटन में दे दूंगी, तो प्लीज़ एक बार चेकआउट ज़रूर करिएगा। वीडियो को मैं बढ़ाती हूँ आगे, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फेस मसाज करने के लिए सबसे पहले हम लेंगे ग्रिसलीन 1 टेबल स्पून, मैंने ऐसे ही अंदाजे से डाल लिया था, और रोज़ वाटर लेना है 1 टेबल स्पून, इतने में आपके अच्छे से मसाज हो जाएगा। देन उसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और फिर उस और अपने फेस पे अच्छे से पूरे फेस पे अप्लाई करना है हमको। तो गाइस, सबसे पहला स्टेप होता है फुलर चीक्स, जिसको हमको अपने गालों में थोड़ी सी हवा भर करके अपने पूरे गालों पे मसाज करनी है, वो भी क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, जैसा कि मैं कर रही हूँ सेम वैसा ही आपको भी करना है। तो गाइस, जो सेकेंड मसाज है वो है फाइन लाइंस के लिए, इससे आपके फेस पे जितनी फाइन लाइंस होंगी वो चली जाएंगी, और आपका फेस पे ज़्यादा फाइन लाइंस की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। इसको करने से सेम वैसा ही करिएगा जैसा मैं आपको कर रही हूँ, और प्रॉपर स्टेप फॉलो करिएगा। तो गाइस, थर्ड जो फेस मसाज है वो है डार्क सर्कल्स के लिए, ये डार्क सर्कल्स रिड्यूस करती है। मैं बहुत जल्दी जल्दी कर रही हूँ, बिकॉज मैंने अपना जो ये वीडियो है उसे थोड़ा सा फास्ट मोड पे किया हुआ है, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता इसलिए, वरना आपको करना बहुत स्लो है, और एक मसाज को कम से कम 5 मिनट तक करिएगा ही करिएगा। फोर्थ स्टेप है हमारा मसाज का, फेस मसाज का, वो है स्माइल लाइन को दूर करना। जब भी हम हंसते हैं तो हमारी एक लाइन पड़ जाती है, वो बहुत गंदी लगती है, तो इसके लिए ये मसाज किया जाता है। गाइस, फिफ्थ मसाज है डबल चिन, जैसा कि मैंने ऊपर सारे स्टेप्स के नाम लिख दिए हैं, आप खुद पढ़ लीजिएगा, और उसको जैसा कि मैं कर रही हूँ वैसे ही फॉलो करिएगा, बहुत जल्दी आपकी जितनी प्रॉब्लम्स होंगी फेस की वो सारी रिड्यूस हो जाएंगी, एंड आपको अच्छा वाला ग्लो देखने को मिलेगा। एंड लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, सिक्स स्टेप जो है रिंकल्स का, रिंकल्स की फेस मसाज, उसको हम अपने दोनों हाथों को टिल्ड करके करते हैं, जैसा कि मैं कर रही हूँ, इससे हमारी रिंकल्स की जितनी प्रॉब्लम होती है वो चली आती है, और फेस हमारा थोड़ा टाइटनअप फील करता है, लूज।
तो गाइज अब तो आपको पूरे फेस मसाज के स्टेप पता चल गए हैं, उसका प्रॉपर वे भी पता चल गया है कैसे करते हैं, तो आप खुद से कर सकते हैं। तो प्लीज़ इसे रेगुलर बेसिस में फॉलो करिए और इसका फ़ायदा उठाइए, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, बगल वाले बेल आइकॉन को दबा के हिट कर दीजिएगा उसे, ताकि आप मेरी वीडियो से नोटिफाइड रहें। एंड अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ ज़रूर इसे शेयर कर दीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।